गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल माई लवली स्टूडेंट्स टू वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग अ गुड टाइम। सो माय डियर पीपल, आज के सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वन इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड नंबर टू दैट्स गोइंग टू बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, जो हम एग्जैक्टली बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और इसको कवर अप करेंगे टिल यूर नीट लेवल फॉर श्योर, राइट। और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस भी आज के सेशन में ही मैं आपको कवर कराऊंगा, राइट। तो चलिए लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन, दैट इज गोइंग टू बी एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। सबसे पहले देखते हैं ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है, लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट फर्स्ट, राइट। चलिए मैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, फिर उसके बाद आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल, ठीक। पूरा बेसिक से, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट, राइट। Molecular formula, it gives the actual ratio, just a second, it gives the actual ratio between the atoms, it gives the actual ratio between the atoms of different elements. Of different elements in a compound. इसका मतलब होता क्या है ये आपको अभी कुछ देर में समझ आ जाएगा। Before making you understand this molecular formula, मैं यहां पर पहले empirical formula की भी definition लिखूंगा। Empirical formula, कैसे हम empirical formula को first of all define करते हैं। Empirical formula, it gives the simplest whole number ratio. It gives the simplest whole number ratio between the atoms of different elements. In a compound. Now, my dear people, let's try to understand what this empirical and molecular formula is all about. The answer samajhna, what exactly I'm going to tell you. Theek hai? For example, agar main yahan pe likhun glucose, I'm writing a term glucose over here. Glucose ki hamare paas ek formula aisi hai, jisse aapko exactly ye idea milega. कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। और वो वाली फॉर्मूला ग्लूकोज की जिससे आपको एक्चुअल आइडिया मिले, जिससे आपको एग्जैक्टली ये आइडिया मिले कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं, दैट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज समथिंग विच आई विल बी कॉलिंग एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने का मतलब यह है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, अगर मैं इसके एक फॉर्मूला ऐसे लिखूं C6H12O6, राइट, ये ग्लूकोज की एक ऐसी फॉर्मूला होती है जिससे आपको एक्चुअल आइडिया मिलता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। जैसा आप देख पा रहे हो यहां पे, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में आई विल से देयर आर 6 कार्बन एटम्स, देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम्स, देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम्स, परफेक्ट। तो अगर मैं यहां पर रेशियो लू इन एटम्स का 6:12:6, क्या मैं इसको जस्ट एक रेशियो बोलूं, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोलूं कि इसको मैं एक्चुअल रेशियो बोलूं ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्लूकोज। आई बी कॉलिंग दिस एज द एक्चुअल रेशियो, दिस इज द एक्चुअल रेशियो। ये ग्लूकोज में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स के एटम्स का एक्चुअल रेशियो दिस फॉर्मूला इज गिविंग मी,
and that formula which gives me the actual ratio about the atoms of different elements in a compound or molecule, us formula ko kya bola jata hai? We call that particular formula as the molecular formula, right? Wo wali formula, jisse mujhe idea mile about the actual ratio of the atoms of different elements, right? In a molecule or a compound, we call that ratio, we call that formula as the molecular formula. Perfect. Ab mujhe aap ek cheez bataye, kya main is ratio ko simplify kar sakta hu? Definitely I can do that. Agar main isko throughout divide 6 se karu, agar main isko throughout divide 6 se karu, ye aa jayega 1:2:1. Ab mujhe bataye, ye jo main ab ratio likh chuka hu, kya isko main actual ratio bolu ki simplest whole number ratio bolu? I'll be calling this ratio as the simplest whole number ratio between the atoms of different elements of glucose, right? और कोई भी ऐसी फॉर्मूला जिससे मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिले रिगार्डिंग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, उस फॉर्मूला को बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो इस रेशियो के हिसाब से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? C1H2O1. सिंस यही वो फॉर्मूला है जिससे आपको आइडिया मिल रहा है अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्लूकोज. तो इस फॉर्मूला को क्या बोलूं मैं? आई शैल बी कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? तो दो फॉर्मुला हमारे पास है, एक होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, दूसरी होती है एम्पिरिकल फॉर्मुला. मॉलिक्यूलर फॉर्मुला से आपको एक्चुअल रेशियो मिलता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड में, और एम्पिरिकल फॉर्मुला से आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिलता है अबाउट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन केस ऑफ अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल, राइट? नाउ माय डियर पीपल, डू रिमेंबर, जब भी मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए, I'll be always using molecular formula. Molecular mass of the substance calculate करने के लिए मैं हमेशा molecular formula use किया करूंगा. देखो glucose की molecular formula क्या है? C6H12O6. तो molecular formula use करके मैं glucose का molecular mass calculate कर सकता हूं. कैसे? देखो molecular mass होता क्या है? Sum of atomic masses. I hope you remember. देखिए carbon का atomic mass कितना? 12. कितने carbon? 6. Hydrogen का atomic mass 1. कितना hydrogen? 12. Oxygen का atomic mass 16. कितने ऑक्सीजन? 6. तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी है? 180U के बराबर. तो सिंस मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके आई विल बी ऑलवेज कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस. तो ये जो 180U आ गया, दिस इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, राइट? सिमिलरली मैं एक और टर्म यहां पर डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज एम्पिरिकल मास. एम्पिरिकल मास बोलो या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बोलो, एम्पिरिकल मास बोलो या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज किया करेंगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला आप यूज करो और एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करो. देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. और कितने कार्बन है एम्पिरिकल फॉर्मूला में? 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1. और कितने हाइड्रोजन? 2. सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. और कितने ऑक्सीजन यहां पर? 1. और ये वैल्यू सॉल्व करके आपको किसके बराबर मिल जाएगी? ये वैल्यू सॉल्व करके आपको 30U के बराबर मिलेगा. तो ये जो 30U आ गया, दिस इज समथिंग व्हिच आई विल बी कॉलिंग एज द एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज, राइट? सो माय डियर पीपल, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें एक्चुअल रेशियो मिलता है बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल. एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिलता है अबाउट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट? मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Empirical mass हम calculate करते हैं with the help of empirical formula, right? अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं. देखिए मैंने टर्म यूज करी थी ग्लूकोज, राइट? मैंने यहां पे कौन सा सब्सटेंस लिया था? ग्लूकोज लिया था. चलिए मैं सीधे लिख रहा हूं ग्लूकोज. सबसे पहले हमने ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखी जो C6H12O6 था. फिर इसके बाद हमने ग्लूकोज की एम्पिरिकल फॉर्मूला देखी जो कि C1H2O1 के बराबर था. फिर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट किया जो कि 180U के बराबर आ गया. फिर मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके एम्पिरिकल मास कैलकुलेट किया जो कि किसके बराबर आ गया? 30U के बराबर, राइट? अब डू रिमेंबर, यहां पर एक नई टर्म मैं डिफाइन करने जा रहा हूं जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन से. ये एन होता क्या है यह भी जरा याद रखे. N सिंपल एक रेशियो होता है. किस किस का रेशियो? N gives me the ratio of molecular mass of the substance to that of empirical mass of the substance. अगर आप एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास और empirical मास को डिवाइड करें,
जो वैल्यू वहां से आनी है उसी को क्या बोला जाता है? एन. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस टू दैट ऑफ एम्पिरिकल मास. परफेक्ट. एट द सेम टाइम एक और चीज याद रखें, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस जो होती है ये बराबर होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय एन. मतलब जब भी मुझे किसी सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करनी होगी, आप सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया करोगे, उसी को मल्टीप्लाई किया करोगे इस एन से. जो हम ऐसे कुछ कैलकुलेट करते हैं, हम इजिली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. परफेक्ट. एट द सेम टाइम एक और चीज याद रखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस किसके बराबर होता है? टू टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. आई एम श्योर ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ी होगी. कभी कभी क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्टली वेपर डेंसिटी सब्सटेंस की दी होगी. तो वेपर डेंसिटी को ही मल्टीप्लाई किया जाता है टू से, वहां से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब चेक करते हैं ये जो आपने फॉर्मूलाज यहां पे लिख ली, क्या ये फॉर्मूलाज एक्चुअली वैलिड है कि नहीं. लेट्स चेक इट आउट. देखो ध्यान से, सिंस मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर चुका हूं, एम्पिरिकल मास भी कैलकुलेट कर चुका हूं, जरा बताओ ग्लूकोज का एन वैल्यू कितना आ जाएगा? ग्लूकोज का एन वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज, वैल्यू कितनी आ गई? 6. तो ग्लूकोज का एन वैल्यू 6 आ गया. अगर ग्लूकोज का एन वैल्यू 6 है, जरा चेक करें क्या ये वाली फॉर्मूला जो मैंने आपको बताई क्या ये सही है कि गलत. देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? C6H12O6. बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना आया था? C1H2O1. इसी को मल्टीप्लाई किससे? N से. N मतलब 6. 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करें, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करें, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा. दैट मींस ये जो फॉर्मूला है इट्स एब्सोल्युटली वैलिड फॉर्मूला. राइट, आई होप यहां तक चीजें क्लियर, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है. राइट, आपको आइडिया मिल गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एम्पिरिकल मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होती है. राइट, और ये जो तीन रिजल्ट्स है ये डायरेक्टली पहले आप याद रखोगे, तब जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, परफेक्ट. तो चलिए लेट्स मूव ऑन देन, लेट्स मूव ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अब पहले ये देखते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट की जाती है. उसके लिए इक्वेशन लेके आया हूं मैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट की जाती है. याद रखें इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का एक जनरल प्रोसीजर होता है, और वही जनरल प्रोसीजर आपको याद रखना है. समझे ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और कैसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे. ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज है, बस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इजिली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो. क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा? पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन. आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तीन. कौन कौन सा? पोटेशियम कंपाउंड में प्रेजेंट है, क्रोमियम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. और एट द सेम टाइम आपको पोटेशियम की मास परसेंटेज दी गई है, क्रोमियम की मास परसेंटेज दी गई है, और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज दी गई है इस कंपाउंड में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके पास इस कंपाउंड के 100 ग्राम्स होंगे, 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड में आपको 26.6 ग्राम्स पोटेशियम के मिलेंगे, 35.4 ग्राम्स क्रोमियम के मिलेंगे, 38.1 ग्राम्स ऑक्सीजन के मिलेंगे. सीधी सी बात है, आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब तीनों एलिमेंट्स की मास परसेंटेज दी गई है, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड में 26.6 ग्राम्स पोटेशियम के होंगे, 35.4 ग्राम्स क्रोमियम के होंगे और 38.1 ग्राम्स ऑक्सीजन के होंगे. राइट, अब प्रोसीजर क्या है ये याद रखें. क्वेश्चन में चाहे आपको एलिमेंट्स की मास परसेंटेज दी गई हो या एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो दिया गया हो, चाहे मास परसेंटेज दी गई हो या मासेस का रेशियो दिया गया हो, सबसे पहले ये जो गिवन मास परसेंटेज है इनको आप डिवाइड किया करोगे अपने अपने एटॉमिक मास से. मतलब 26.6 को आप पोटेशियम के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, सिमिलरली 35.4 को आप क्रोमियम के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, 38.1 को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे. अब पॉइंट ये है, इन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस क्या क्या होते हैं. पोटेशियम का 39 होता है, क्रोमियम का 52 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. अब सबसे पहला काम 26.6 डिवाइडेड बाई 39, बताओ किसके बराबर आएगा? 0.68. 35.4 डिवाइड बाई 52, 35.4 डिवाइड बाई 52 किसके बराबर आएगा? 0.68. फिर इसके बाद 38.1 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा 2.38. और ये जो आपने वैल्यूज निकाल ली, ये जो आपने वैल्यूज निकाल ली, ये वैल्यूज क्या है बेसिकली? दीज आर बेसिकली, इसको बोला जाता है एटॉमिक रेशियो.
तो ये आपने बेसिकली एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट किया. एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, या आप इनको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो. इसको आप नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो, राइट? ये जो 0.6 है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? पोटेशियम. दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? क्रोमियम. दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. कैसे? बिकॉज मैंने आपको बताया 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड में 26.6 ग्राम्स किसके प्रेजेंट है? पोटेशियम के. तो ये जो 26.6 है बेसिकली, दिस इज द मास ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड. इसी को डिवाइड किया पोटेशियम के मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आ गया इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम आ गया इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड. चाहे इसको एटॉमिक रेशियो बोलो या इनको नंबर ऑफ मोल्स बोलो, एक ही बात है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लिया हमने. एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट करते हैं लीस्ट एटॉमिक रेशियो. एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करके हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे लीस्ट एटॉमिक रेशियो. और ये लीस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए, ये जो आपने एटॉमिक रेशियो की वैल्यूज निकाल ली, अब इन तीनों वैल्यूज में से देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 0.68. तो तीनों वैल्यूज को उस छोटी वैल्यू से डिवाइड करो. 0.68 को डिवाइड करोगे 0.68 से तो 1 आएगा. 0.68 को फिर से डिवाइड करोगे 0.68 से 1 आएगा. 2.38 को डिवाइड करोगे 1.68 से, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5. तो बेसिकली ये आपने कैलकुलेट क्या करा? ये आपने लीस्ट एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट किया. ये आपने लीस्ट एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट किया. और ये लीस्ट एटॉमिक रेशियो क्या हो गया? 1:1:3.5, राइट? लीस्ट एटॉमिक रेशियो. बताओ कौन सी फॉर्मूला ऐसी होती है जिससे आपको लीस्ट एटॉमिक रेशियो मिलता है, राइट? उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला. बट एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स अस द सिंपलेस्ट होल नंबर लीस्ट रेशियो. क्या ये होल नंबर लीस्ट रेशियो है? 1:1:3.5. इस 3.5 को कन्वर्ट कर लो. पहले एक काम कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर लो, और इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर लो. यहां पे वैल्यू आनी है 2, यहां पे वैल्यू आनी है 2, और यहां पे वैल्यू आनी है 7. अब ये जो वैल्यू आ गई 2:2:7, दिस इज बेसिकली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ पोटेशियम क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, राइट? और कोई भी ऐसी फॉर्मूला जिससे हमें आइडिया मिले इस सिंपलेस्ट रेशियो का, उस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला. बताओ जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगी? ये होगा पोटेशियम 2 है तो K2Cr2O7. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो जनरल प्रोसीजर रही है, याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चले एक और क्वेश्चन करते हैं. देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन. आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है. कौन कौन सा? एक तो नाइट्रोजन प्रेजेंट, दूसरा कौन सा? ऑक्सीजन, राइट? अभी आपको क्वेश्चन में इन दो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो दिया गया है. चाहे मासेस का रेशियो दिया गया हो या एलिमेंट्स की मासेस की परसेंटेज दी गई हो, पहला स्टेप तो सेम है. क्या? डिवाइड करना है अपने अपने एटॉमिक मास से, ठीक है? तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन पता होना चाहिए कितना होता है, 14. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16. तो 7 को डिवाइड करो पहले 14 से, वैल्यू आएगी 0.5. 16 को डिवाइड करो 16 से, वैल्यू आ जाएगी 1. ये जो 0.5 और 1 ये क्या है? ये एटॉमिक रेशियो आ गया. एटॉमिक रेशियो आ गया. अब चेक करो एटॉमिक रेशियो में सबसे छोटी वाली टर्म कौन सी है? 0.5. अब दोनों को डिवाइड करो 0.5 से. इस 0.5 को भी डिवाइड करो 0.5 से, 1 को भी डिवाइड करो 0.5 से. बताओ जरा कितना आएगा? ये आएगा 1, और ये कितना आ गया? ये आ गया 2. अब देखो 1:2, ये क्या आ गया? अगर ये एटॉमिक रेशियो था तो ये क्या आ गया? लीस्ट एटॉमिक रेशियो. और लीस्ट एटॉमिक रेशियो कहां से मिलता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला से. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ कंपाउंड की क्या होगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी N1O2. This is the empirical formula of the compound. But जरा चेक करें कि आपको क्वेश्चन में empirical formula पूछी गई है कि molecular formula पूछी गई है. आपको क्वेश्चन में molecular formula पूछी गई है compound की, ठीक है? बताओ, याद करो molecular formula कैसे calculate करते हैं. अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूं, molecular formula बराबर होता है empirical formula multiplied by N. molecular formula calculate करने के लिए हमारे पास empirical formula होनी चाहिए. क्या calculate कर चुके हैं? Absolutely, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए पहले? मुझे सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, ठीक? बताओ जरा ये n किसके बराबर होता है? n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट? बताओ जरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कितना होगा? क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड दी गई है 46. क्या ऑलरेडी बता चुका हूं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी? तो 2 टाइम्स 46 कितना हो गया? 92 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास. कैलकुलेट करो. एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज की जाती है. Empirical formula use करो, आ जाएगा 14 into 1 plus 16 into 2, कितना आ जाएगा? 46.
तो एम्पिरिकल मास आ गया 46, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेसिकली आपने n की वैल्यू निकाल ली 2। अगर n की वैल्यू 2 आ गई, आप सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो एज एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज N1O2 मल्टीप्लाई किससे, n से, राइट। और n की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला आ जाएगी N2O4। दिस इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच वी वर सपोज कैलकुलेट, राइट। परफेक्ट, सिंपल एंड बेसिक। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखो ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, या आई थिंक ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। इट इज अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट। आपके पास दो एलिमेंट्स दिए गए ए और बी, परफेक्ट। ए का एटॉमिक मास दिया गया है 75, बी का एटॉमिक वेट दिया गया है 16, परफेक्ट। परसेंटेज ऑफ ए दी गई है 75.08। अगर ए की परसेंटेज है 75.08 तो बी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 24.92 अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये आ जाएगी बी की परसेंटेज। अब करना क्या है, अपनी अपनी परसेंटेज को अपने अपने एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, राइट। वहां से एटॉमिक रेशियो मिलेगा, जो उसमें से लीस्ट वाला होगा वहां से लीस्ट एटॉमिक रेशियो निकालोगे, परफेक्ट। और लास्ट में आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई कर लेना, राइट। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक। कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर बता देना। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो ध्यान से। फिर से इस इक्वेशन को अप्रोच कैसे करना है, देखो कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट करनी है पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनकी परसेंटेज दी गई है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो गिवन परसेंटेज को अपने अपने एटॉमिक मास से डिवाइड, एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो आ गया 4.07, राइट। कार्बन का एटॉमिक रेशियो आ गया 2.02 और इसका आ गया 2.02। अब एटॉमिक रेशियो में से लीस्ट वाली टर्म देखो 2.02, तीनों को उसी लीस्ट से डिवाइड करो तो वैल्यू आ जाएगी 2, यहां से आ गया 1 और यहां से आ गया 1। तो दिस इज द लीस्ट एटॉमिक रेशियो जो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में आ गया। सो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गई, बताओ जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गई। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगी H2C1Cl1। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गई, इफ आई टॉक अबाउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गई H2C1 और क्लोरीन भी एक Cl1, राइट, परफेक्ट। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गई, जरा एम्पिरिकल मास बताओ कितना आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करो और एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करो, तो 2 × 1 हो गया 2, प्लस आ गया 12, प्लस आ जाएगा 35.5। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 14। 14 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा, 49.5। ये आ गया एम्पिरिकल मास ऑफ द सब्सटेंस, ये आ गया एम्पिरिकल मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर एम्पिरिकल मास आ गया, जरा एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट, डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास ऑफ द सब्सटेंस। जस्ट अ सेकंड, बताओ जरा मॉलिक्यूलर मास कितना है। आपको मोलर मास दिया गया है सब्सटेंस का, मोलर मास दिया गया है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम्स की जगह यू लिखना है, दैट्स इट। ये है 98.96 डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास कितना आया था, 49.5। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मिलेगी, 2 के बराबर, तो n की वैल्यू आ गई। अगर n की वैल्यू आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, एम्पिरिकल फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला यहां पर है H2C1Cl1। इसी को मल्टीप्लाई किससे करना था, n से 2 से, तो वैल्यू आनी है H4C2Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली एक ऐसा ही और क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है, राइट। ये क्वेश्चन भी मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी आप खुद ही सॉल्व करोगे, राइट, परफेक्ट। तो ये था एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होती है, ठीक। आई होप बहुत ही सबसे इजिएस्ट टॉपिक जो मोल कॉन्सेप्ट में माना जाता है, दैट इज यही मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला, परफेक्ट। तो ध्यान से एक बार इसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। गलती कहां पे स्टूडेंट्स करते हैं, दैट्स इन कैलकुलेशंस। तो मेक श्योर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, अब जाके एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक अपना, दैट इज जस्ट अ सेकंड, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सबसे पहले
एक रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं मैं, एंड द रिएक्शन इज लाइक दिस, H2O2 aqueous, इट गिव्स H2O लिक्विड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। ये मैंने एक रिएक्शन लिख ली, ठीक है। ऐसे एक रिएक्शन मेरे डॉक्स में पढ़ चुके हैं, परफेक्ट। जब मैंने n फैक्टर ऑफ H2O2 व्हेन इट अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शन वो सिखाया था, ठीक है, उससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां पर रिएक्शन लिख ली H2O2 aqueous की, H2O2 aqueous ब्रेक होके कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, साथ में क्या मिल रहा है, O2 गैस। अगर आपने कभी हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉटल देखी होगी जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को रखा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉटल पे रेड कलर से एक स्टेटमेंट लिखा रहता है और उस स्टेटमेंट को बेसिकली बोला जाता है लेबलिंग। मतलब H2O2 की बॉटल पे लेबलिंग करी होती है, लेबलिंग ऑफ H2O2। अब ये लेबलिंग ऑफ H2O2 होता क्या है? जब भी आप कभी लैब में या सैलून्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉटल देखोगे, आप देखोगे रेड कलर से एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, राइट, जिसको बोला जाता है लेबलिंग ऑफ H2O2। और ये स्टेटमेंट आपको किस फॉर्म में मिलता है? ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, वी वॉल्यूम ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को डीकोड कैसे करें, इस स्टेटमेंट से क्या क्या आइडिया हमें मिल सकता है। देखिए, वी वॉल्यूम ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब यह हुआ कि एक वॉल्यूम ऑफ H2O2 से वी वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिबरेट होगा एट STP। सिंपल सी चीज। जब भी इस टाइप का कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक वॉल्यूम H2O2 से वी वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिबरेट होगी कहां पे? STP पे। अब पॉइंट ये है, ये मैंने टर्म यूज क्या करी यहां पे, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चाहे लीटर्स में लो या ml में लो, मर्जी आपकी खुद की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वॉल्यूम लीटर्स में ले रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं एक लीटर H2O2 से आई विल से वी लीटर्स ऑफ O2 गैस मिल रहे होंगे, कहां पे मिल रहे होंगे, STP पे मिल रहे होंगे। यही स्टेटमेंट आप ml के फॉर्म में ले सकते हो, आप बोल सकते हो एक ml ऑफ H2O2 से आई से वी ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहे होंगे, कहां पे लिबरेट हो रहे होंगे, STP पे लिबरेट हो रहे होंगे, राइट, ठीक है। इसी को थोड़ा और अगर डिटेल में समझे, इस स्टेटमेंट को, अगर आपको इस स्टेटमेंट को डीकोड करना आ गया तो समझ जाना वॉल्यूम स्ट्रेंथ के इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसी को एग्जैक्टली और डिटेल में कैसे समझा जाए, ध्यान से समझना व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक H2O2 की बॉटल है, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस स्टेटमेंट को चाहे आप लीटर्स के टर्म्स में डीकोड करो या मिलीलीटर्स के टर्म्स में, मर्जी आपकी खुद की है, हम दोनों देखते हैं, पहले लीटर्स में डीकोड करो। इसका मतलब हो गया एक लीटर H2O2 से 20 लीटर O2 गैस के मिल रहे होंगे, कहां पे, एट STP। एक लीटर H2O2 से 20 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही होगी एट STP। या यही स्टेटमेंट ml के टर्म्स में लिखो, 1 milliliter of H2O2 से 20 milliliters of O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा, कहां पे लिबरेट हो रहा होगा, एट STP लिबरेट हो रहा होगा। अगर आपको ये दो स्टेटमेंट्स लिखने आए, आप इजीली वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। नंबर वन, अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखूं 30 volume H2O2 aqueous solution, जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या हुआ, 30 volume H2O2 aqueous solution, चाहे ml में ब्रेक करो या लीटर्स में ब्रेक करो, मर्जी खुद की है। लीटर्स में पहले लिखो 1 liter of H2O2 से, बताओ कितने लीटर्स ऑफ O2 गैस मिल रहे होंगे, 30 liters of O2 गैस मिल रहे होंगे, कहां पे, एट STP। सिमिलरली 1 ml H2O2 से, बताओ क्या 30 ml of O2 गैस मिल रहा होगा, कहां पे मिल रहा होगा, STP पे मिल रहा होगा। आई एम श्योर इस टाइप के स्टेटमेंट्स आज के बाद आपको डीकोड करने आ जाएंगे, परफेक्ट। अब एक और स्टेटमेंट ऐसा मिल सकता है, लेट्स से मैं लिख रहा हूं 10 ml of 20 volume H2O2 aqueous solution। अगर स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में मिला तब कैसे डीकोड करोगे, देखो ध्यान से, 10 ml of 20 volume H2O2 aqueous solution, 10 ml of 20 volume H2O2 aqueous solution, ध्यान से समझना।
सबसे पहले इस 20 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन को डीकोड करो, और किस में डीकोड करो, ml में डीकोड करो। क्या मैं लिख सकता हूं 1 ml ऑफ H2O2 से, 1 ml ऑफ H2O2 से 20 ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा। कहां पे लिबरेट हो रहा होगा? STP पे। अब देखो ध्यान से, 1 ml H2O2 से 20 ml O2 लिबरेट हो रहा है, बट क्या मेरे पास 1 ml था कि 10 ml थे? क्या मेरे पास H2O2 का 1 ml था? मेरे पास 10 ml ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। अगर 1 ml से 20 ml लिबरेट हो रहे हैं, बताओ जरा 10 ml ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन से कितना लिबरेट हुआ होगा? यह आ जाएगा सीधे 200 ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हुई होगी। परफेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट को भी डीकोड करना आना चाहिए एसटीपी पे। चले एक और स्टेटमेंट ऐसा ही लिख रहा हूं, फिर हम आगे चलते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 liters ऑफ 40 volume H2O2 एक्वस, करें जरा डीकोड। पहले इस पार्ट को सिर्फ डीकोड करें। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अभी लीटर्स में डीकोड करना है, अभी लीटर्स में डीकोड करना है। तो लिख सकता हूं 1 liter H2O2 एक्वस सॉल्यूशन से 40 liter O2 गैस के मिल रहे होंगे। कहां पे? एसटीपी पे। अगर 1 liter H2O2 एक्वस से 40 liter मिल रहे हैं O2 गैस के, बताओ 3 liter से कितना मिल रहा होगा? 3 liter H2O2 एक्वस सॉल्यूशन से 40 × 3 कितना आ जाएगा? 120 liter ऑफ O2 गैस लिबरेट होगा। कहां पे लिबरेट होगा? एसटीपी पे लिबरेट होगा। परफेक्ट। आई एम श्योर इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपको इजिली आज के बाद डीकोड करने आने चाहिए। राइट, परफेक्टली डन। मूविंग ऑन टू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स हैव अ लुक। मैं यहां पे एक हेडिंग लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। याद रखें, अगर आपके पास H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन होगा और आपको उस H2O2 एक्वस सॉल्यूशन में H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी गई है, आप उस सॉल्यूशन की मोलारिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो। मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ये बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2, और कहां पे? एट एसटीपी। ये मेरे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो आज के बाद आप यूज करोगे। आपको फॉर एग्जांपल ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट्स से स्टेटमेंट ऐसे लिख रहा हूं मैं, 22.4 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपने H2O2 का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि H2O2 यहां पे सॉल्यूट है, एक्वस वाटर यहां पे सॉल्वेंट है। ठीक, आपको इस H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी गई है 22.4। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस H2O2 एक्वस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी? बताओ मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन कितना होगा? आप लिखोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो कि 22.4 के बराबर है, डिवाइड किससे? 11.2 से। ये वैल्यू आ जाएगी 2, बट कहां पे? एट एसटीपी। परफेक्ट। राइट, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी आनी चाहिए, और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कहां कहां पे और कैसे यूज की जाती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, परफेक्ट। देखते हैं ये फॉर्मूलाज, ये रिजल्ट्स कहां पे और कैसे एग्जैक्टली यूज किए जाएंगे। ध्यान से समझना व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। देखो जरा पहला क्वेश्चन, फॉर ए 16.8 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, मेरे पास 16.8 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, और इस एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी हमें दी गई है। राइट, 0.951 ग्राम्स पर एमएल। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें पूछी गई है, मोलारिटी, वेट बाय वेट परसेंट। ये वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट। राइट, ये कुछ रिजल्ट हमसे पूछे गए हैं। देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये जो H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें वाटर सॉल्वेंट है और H2O2 सॉल्यूट। एक काम करें, मोलारिटी ऑफ द H2O2 एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट करें पहले। मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 16.8 डिवाइड किससे करोगे? 11.2 से। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। क्या निकाल लिया? मोलारिटी। अगर मोलारिटी आ गई, एक क्वेश्चन तो हो गया यहीं पर, अगर मोलारिटी आ गई, इफ यू रिमेंबर एक रिजल्ट मैंने दिया होगा, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर होता है 10 × डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर एमएल मल्टीप्लाइड बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिजल्ट क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान से चेक करें। मोलारिटी आपने निकाल ली, 10 कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया गया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ H2O2 पता है 34 ग्राम्स पर मोल, क्या यहां से वेट बाय वेट परसन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा? खत्म, राइट। कैलकुलेशन आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो यहां से वेट बाय वेट परसन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अगर वेट बाय वेट परसन ऑफ सॉल्यूट आ गया, एक और रिजल्ट मैं आपको दे चुका हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, वेट बाय वॉल्यूम परसन ऑफ सॉल्यूट बेसिकली बराबर होता है वेट बाय वेट परसन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई किससे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर एमएल से। वेट बाय वेट परसन ऑफ सॉल्यूट यहां से आया होगा, मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहां से वेट बाय वॉल्यूम भी आ गया सॉल्यूट का। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मोलालिटी अगर पूछी गई होगी, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो अगर मोलालिटी पूछी गई होती, कैपिटल एम, मोलालिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया गया है, मोलालिटी ऑलरेडी पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2O2 का मोलर मास 34 ग्राम्स पर मोल, तो यहां से मोलालिटी भी आ जाती। अगर मोलालिटी आ जाती तो एक रिजल्ट और मैं दे चुका हूं आपको, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। देखो मोलालिटी हमने निकाली होगी यहां से, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम्स पर मोल, 1000 कांस्टेंट, चेक करो एक इक्वेशन एक अननोन, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट Ki2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। लास्ट ppm ऑफ सॉल्यूट, एक और रिजल्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में दे चुका हूं आपको, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसी को मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 10 रेज पावर 4 से, आई होप यू रिमेंबर, एक और डायरेक्ट रिजल्ट दे चुका था। तो सिंस आपने वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाला होगा, इसी को मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 रेज पावर 4 से, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ppm ऑफ सॉल्यूट, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड, राइट। ये सारा आप वैल्यूज पुट करोगे, आंसर निकालोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जितने भी डायरेक्ट, अब आपको आइडिया मिल रहा होगा जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डायरेक्ट रिजल्ट्स दिए थे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिजल्ट्स याद नहीं होंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूलाज याद है तो फॉर्मूलाज लगा लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट, परफेक्ट। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 लीटर ऑफ 22.4 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन एट STP। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान से, सी लुक हियर, रिएक्शन एक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड में और साथ में O2 गैस मिलती है, साथ में O2 गैस मिलती है, ये रिएक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं। आपके पास 2 लीटर्स ऑफ 22.4 वॉल्यूम H2O2 एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, सबसे पहले जरा मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन निकाल लो, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड किससे, 11.2 से, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के, तो ये आपने मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन निकाल लिया। अगर मोलारिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन आ गया और इसी एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आपको पता है, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इट गिव्स मी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा है, H2O2 सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 किसके बराबर आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो बेसिकली वी कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, राइट। अब जरा मुझे बताओ, क्या मुझसे मोल्स ऑफ H2O2 पूछा गया है कि मोल्स ऑफ वाटर पूछा गया है, मुझसे मोल्स ऑफ वाटर पूछा गया है, कितने बन रहे हैं, देखो इस रिएक्शन के थ्रू चेक करो, एक मोल से एक मोल मिल रहा है, अगर एक मोल से एक मोल मिल रहा है तो कैन आई से 4 मोल्स ऑफ H2O2 से 4 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहे होंगे, दैट्स इट। सो आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज बेसिकली गोइंग टू बी 4, डन एंड डस्टेड, क्लियर है, आई होप इस टाइप का क्वेश्चन भी आप इजिली कर पाओगे, ठीक। चलिए जी एक लास्ट क्वेश्चन देखो जिससे आपको आइडिया मिलेगा और आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नीट में पूछे जा सकते हैं वो सारे यहीं पे कवर हो गए। सी व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, कितना मैक्सिमम O2 गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 200 ml ऑफ 15 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन एट STP। दिमाग कोई नहीं लगाना है इसमें, पहले ही सिखा चुका हूं इस टाइप के स्टेटमेंट को डीकोड कैसे करते हैं, और जब इस टाइप के स्टेटमेंट को डीकोड करते हैं हमें किसका आइडिया मिलता है, volume of oxygen liberated, I hope you remember, right? जरा पहले इस term को decode करो ml के terms में, तो can I say 1 ml H2O2 aqueous
से 15 ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा STP पर, राइट? इस स्टेटमेंट का मतलब, सिर्फ इस स्टेटमेंट का, 1 ml H2O2 से 15 ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहा है STP पर। अगर 1 ml H2O2 से 15 ml लिबरेट हो रहा है, बताओ जरा 200 ml ऑफ H2O2 से, कैन आई से 15 × 200 ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा, कहां पे लिबरेट हो रहा होगा? एट STP। और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3000 ml। तो बेसिकली 3000 ml ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा, या आप लिख सकते हो 3 liter ऑफ O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा STP पे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि 200 ml ऑफ 15 volume H2O2 सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिबरेट होगा STP पे? तो इतना वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिबरेट होगा STP पे, राइट? आई एम श्योर इट इज सुपर क्लियर टू एवरीवन, राइट? परफेक्ट। सो माय डियर पीपल, दीज वर द टू टॉपिक्स विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे चुका हूं, राइट, आज के सेशन में, प्लीज एंड प्लीज उनको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर लिख देना, ठीक? सो लेट्स स्टॉप विद दिस। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन द टुडे सेशन। See you in the next session. Till then, you take care. Bye-bye. God bless you all and love you all. And if you have not liked the video yet, please do like the video. Share the video with everyone. Do subscribe to the channel as well. Take care. God bless you all. Bye-bye.